नमस्कार, सूजा स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। विकसित भारत संकल्प यात्रा, राजस्थान के जन जन के कल्याण की गारंटी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का लक्ष्य, प्रदेश में अंत्योदय को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुँचाना, इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा आज घर घर तक पहुँच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी गांव में पात्र व्यक्ति, वंचित व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं से रह ना जाए। आज इस शिविरों के माध्यम से हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक मिले और उसकी क्रियान्विति इस शिविर के माध्यम से 100% हो। कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाए, ये इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा प्रदेश के ही नहीं, देश के हर कोने में यात्रा जाएगी और ऐसे जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है उनको इस योजना का लाभ मिले, ऐसी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रदेश सरकार राज्य में योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने वाले इस महाअभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक जन आंदोलन का रूप ले रही है। इसी का उदाहरण है प्रदेश वासियों के खिलखिलाते ये चेहरे। शिविरों में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ प्रदेश की माताओं तक पहुंच रहा है, जिससे माताओं के लिए उनके नवजात शिशु का खर्चा वहन करने में मदद मिल रही है। मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी केंद्र में जो सुविधाएं मिल रही है उनका लाभ मैं उठा रही हूं और वहां से मुझे प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत 5,000 रुपए मिले हैं। कुमारी मीना है, मेरा गाँव खेड़ा नारसिंह की माता है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्र फर्स्ट पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लाभ मिला है। मुझे 3 किस्तों में 5,000 रुपए मिले। इन पैसों से मेरे बच्चों का भरण पोषण हुआ, अच्छा हुआ है। इसी तरह प्रदेश पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में पहले स्थान पर है, जिससे प्रदेश की हर गृहिणी को धुएं से राहत मिली है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लाभ का, इस गैस का लाभ मिलेगा। पहले हम लकड़ियों पे चूल्हे पे खाना बनाते थे, हमें बहुत परेशानियाँ होती थी, टाइम से बच्चों को नहीं पहुँचा पाते थे स्कूल। अब शायद गैस मिल गया है तो हम टाइम से सब काम कर पाएंगे। मैं हिना पटेल बोल रही हूँ। पहले चूल्हे से खाना बनाती थी, अभी मोदी सरकार ने यह योजना निकाली है, गैस कनेक्शन फ्री में मिलता, तो मेरे को फार्म भरवाया तो मेरे को गैस मिला है। मोदी सरकार की धन्यवाद। इन शिविरों में अब तक 47 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और इस मामले में भी प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। हॉस्पिटल से टीबी की जांच करवाई है और मेरे को प्रतिमाह निःशुल्क दवाई मिलती है और प्रतिमाह 500 रुपए सरकार की तरफ से मेरे को मिल रहे हैं। मैं श्री मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि मेरा है ना आयुष्मान कार्ड बन गया है, तो सभी ग्राम वासियों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना आयुष्मान कार्ड बनावे और 5 लाख का बीमा फ्री योजना लो। कहीं भी हॉस्पिटल में अपन लोग जाते हैं तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा। भारत मतलब राजस्थान नहीं, भारत के किसी भी राज्य में जाकर फ्री इलाज करवा सकते हैं। आप भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में अपनी भागीदारी निभाएं और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठाएं। आज के विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।